हेलो फ्रेंड्स, नेहा की पाकशाला में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला छाछ यानी कि नमकीन लस्सी। तो चलिए पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया है 2 कप दही, काला नमक 1 चम्मच, धनिया पत्ती गार्निशिंग के लिए, और 1 चम्मच अजवाइन, जीरा और हींग भून कर इसको हमने पीस के लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी मसाला छाछ बनाना। सबसे पहले हम अपने मिक्सर में दही डालेंगे, थोड़ा सा काला नमक डालेंगे, नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें, और थोड़ा ये मसाला डालेंगे जो हमने रोस्ट करके भून के लिया है। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। हमारा दही अच्छे से ब्लेंड हो गया है। अब हम इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती डालेंगे और मिक्स करेंगे चम्मच से। अब हम अपनी मसाला छाछ को ग्लास में ट्रांसफर करेंगे। अब हम इसमें ऊपर से थोड़ा सा भुना हुआ मसाला डालेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। और थोड़ा सा काला नमक ऊपर से इसमें बुरका देंगे। लीजिए, हमारी मसाला छाछ बन करके बिल्कुल तैयार है। आप इसे सुबह शाम दोनों टाइम पी सकते हैं और खाने के साथ भी इंक्लूड कर सकते हैं। इससे आपका खाना जल्दी हजम होगा और ये शरीर को तरी देता है, गर्मी से राहत देता है। ये बहुत ही स्वादिष्ट है और बहुत ही झटपट बन जाता है। इससे हमारी पाचन शक्ति बढ़ती है, डाइजेशन सुधरता है, इससे हमें गैस्ट्रिक नहीं बनती है। बस हमें ध्यान इतना रखना है कि जब भी हम मसाला छाछ बनाएं, ताज़ा दही इस्तेमाल करें, पुराना दही इस्तेमाल ना करें। ये खट्टी नहीं होनी चाहिए। अगर आप पुराना दही इस्तेमाल करेंगे जो कि खट्टा है, तो ये आपको नुकसान कर सकती है। मैंने इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है। अगर आप इसकी कंसिस्टेंसी और पतली रखना चाहते हैं तो आप 1/2 कप पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मेरी मसाला छाछ की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।